गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फाइव वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फाइव वीडियो में प्रश्नावली 1A पे है और क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -1 उस वृत्त का केंद्र है जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है जिसके शीर्ष के निर्देशांक 4, -3, -2, और 6, -1 है। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, यहाँ सेम क्वेश्चन है। चलिए, इसमें बस साबित करने के लिए कह दिया है। मैं यहाँ पे वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, जिसके तीनों शीर्ष वृत्त को छू रहे हैं। अच्छा, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं, तो इसको ABC त्रिभुज मान लेता हूँ और इसके शीर्षों के निर्देशांक लिख देते हैं 4, 3 और यहाँ पे -2, 3 और 6, -1। यहाँ मान लेते हैं मान वृत्त का केंद्र OXY है। वृत्त का केंद्र जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं, OX, Y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह केंद्र की दूरी यह तीनों शीर्षों से बराबर होगी, है ना जी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये आपस में बराबर होंगी ना जी। चलिए, अच्छा, और माना त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः क्या क्या है, तो A 4, 3, B -2, 3 और C 6, -1 है, ठीक है। यह तीनों शीर्ष को लिख दिया। अब चलिए, तो चूंकि आपका OA बराबर OB बराबर OC हो जाएगा, होगा ना, क्यों बराबर होगा, तो क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी ना जी, बिल्कुल बराबर होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। मैं पहले यहाँ OA बराबर OB ले लेता हूँ, बराबर होगा। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा आपका, OA² बराबर में OB² OA² बराबर में OB², तो दूरी सूत्र लगाइए, x - 4² + y - 3². अच्छा, OB² के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस है, तो x + 2² और +y - 3² यह तो पूरा कट जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, x² - 2 × x × 4 और +4² यह हो जाएगा x² + 2 × x × 2 + 2² ही ना, तो देखो x² से x² कट गया, यह हो जाएगा -8x और 4² = 16 बराबर में 4x + 4। एक्स वाले को एक तरफ करते हैं, -8x - 4x ये उधर जाएगा, माइनस को जाएगा 4 - 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो -12x बराबर में -12। माइनस माइनस काट दिए, इसको भाग में भेज दो, x का मान 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब कोई और ले लेता हूँ, OA बराबर OC ले लो या OB बराबर OC ले लो, कोई भी ले सकता है। चलिए, मैं OB बराबर में OC ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका OB² बराबर में OC². चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, x + 2² क्योंकि यह माइनस है, और +y - 3² OC² के लिए हो जाएगा x - 6² और +y + 1² यही ना हो जाएगा आपका। चलो इसको आगे सॉल्व करो, तो यहाँ हो जाएगा x² - 2 × x × 2 + 2² इसके लिए हो जाएगा y² - 2 × y × 3 और +3² बराबर x² - 2 × x × 6 और +6² यहाँ हो जाएगा y² + 2 × y × 1 और +1² तो x² y² दोनों तरफ कट जाएंगे ना। चलिए, ये हो जाएगा आपका 4x, यहाँ हो जाएगा -6y, ठीक है, और यहाँ देखो 2² = 4, 3² = 9, तो 9 और 4 कितना आ जाएगा 13 बराबर में, यहाँ -12x और +2y, 6² = 36 और 1² = 1 यानी कि 37 हो जाएगा। चलिए, xy को एक तरफ कर लो, है ना,
तो यहाँ पे आपका यह आ जाएगा 4x माइनस का 6y प्लस का 12x, ये प्लस माइनस में इधर के प्लस का और माइनस का 2y बराबर में उधर जाएगा तो 37 माइनस में 13। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 12 और 4 16 कर देता हूँ, 12 और 4 आपका 16x हो जाएगा और यह दोनों माइनस का 8y और बराबर में यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, है ना, यही ना आएगा आपका। चूंकि x का मान आपका 1 आया था तो x बराबर 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रखने पर ठीक है, चलिए x बराबर 1 रख देते हैं तो 16 गुना 1 माइनस का 8y बराबर में 24, ये जाके उधर घटेगा, 16 कम 16 ना होगा, उधर जाके घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 24 में से 16 घटा दो तो माइनस का 8y बराबर में 8, यह जाएगा भाग में यानी वाई का मान माइनस 1। तो हमने दिखा दिया कि वृत्त का केंद्र जो है आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई था तो एक्स का मान क्या है 1 और वाई का मान माइनस 1, तो यही ना हमें साबित करना था। चलिए तो ये आपका साबित हो गया, अतः वृत्त का केंद्र 1 माइनस 1 हमने साबित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए